नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मकलोड़गंज धर्मशाला ले जा रहा हूं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए और एंजॉय कीजिए। तो भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं चर्च में। ये चर्च है, यहाँ पर हम यहीं पर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर भी हैं और वहाँ पे ये सब चलते चलते आ रहे हैं। ये रहे चर्च, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। ये चर्च है, मकलोड़गंज से 1.5 किलोमीटर नीचे मिलती है ये, और अभी तो खैर बंद पड़ी है कोरोना की वजह से, तो बाहर ही बाहर से देख पाएंगे आज हम। चर्च के चारों तरफ काफी सुंदर वातावरण, प्राकृतिक नज़ारे हैं, देख सकते हैं आप कितनी हरियाली है यहाँ पे, काफी मजा आ रहा है। काफ़ी अच्छी जगह है ये, इसके पास में थोड़ा सा आगे जगह कब्रिस्तान टाइप का भी है एक। ये लामाज हैं यहाँ पे, ऊपर तिब्बतन टेंपल है, ये वहीं पर जाते हैं, और काफ़ी लामाज हैं यहाँ पे। 1 तारीख से वोल्वो स्टार्ट हो गई थी, इसने काफ़ी जाम लगाया हुआ है यहाँ पे। ऊपर जाके भागसुनाग मंदिर है और भागसुनाग झरना है, यहाँ झरने पर अब सब लोग आ चुके हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद, और सभी लोग झरने पर एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाकर झरने का और सुंदर नज़ारा मिल सकता था, परंतु ये सब लोग चढ़ाई की वजह से थक गए और ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और यहीं एंजॉय कर रहे हैं। और आगे जाते तो झरना ऊपर से गिरता हुआ और अच्छा दिखता और वहाँ काफ़ी और मज़ा आता। झरने पर आ चुके हैं, भागुनाथ टेंपल से झरने पर आ चुके हैं। यहाँ पे झरने पर सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं वीडियो वो देखिए, वहाँ पे वो लड़की पूरी गीली हो चुकी है, बहुत ही ठंडा पानी है बर्फ जैसा, सभी एंजॉय कर रहे हैं। ये आसपास का सीन है, यहाँ का नीचे तक ये झरना जाता है, ये ऊपर का झरना है, यहाँ से वो ऊपर से आता है झरना, यहाँ से ये पूरा इसका व्यू है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है ये, बिल्कुल बर्फ पिघल के आ रही है यहाँ से, यहाँ पे तो आप भी आइए, यहाँ पे ज़रूर आइए। ये देखिए ये छोटा बच्चा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। तो फैन जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखो ये हंसु, ये एंजॉय कर रही है झरने में। ये बहुत एंजॉय कर रही है अच्छे से, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है इसको भी पूरी सबको ही गीला कर रही है। हंसु ठंडा पानी है, हंसु ठंडा पानी है, वाओ हंसु। चलिए अब हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
मतलब सभी है यहाँ पे नहा रहे हैं। हम इस रास्ते से आए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इनको एटम बम वाले फ्लावर्स देख बोलते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से रास्ता जा रहा है, वहाँ से हम आए थे, यहाँ पे ये झरना है। दीदी ये कौन सा फ्लावर से है? पता नहीं, ये नीचे का झरना है और ये गुन्नू मैडम आ रही है। तो अब हम वापस चल पड़े हैं, ज़्यादा समय था नहीं हमारे पास। हमें यहाँ से अब सीधा गोल्डन टेंपल पहुँचना है रात रात में ड्राइविंग करके, तो काफ़ी जाम लग गया है। तो ये दो पॉइंट देख के हम यहाँ से निकल लिए हैं। वहाँ बस फंसी हुई है, ये आगे गाड़ियाँ फंसी हुई है, तो हिलने का नाम निशान नहीं है। पीछे का भी दिखाता हूँ आपको। बस में लोग खाना खा रहे हैं। तो भाई साहब इस ढाबे पे हमने रुक के भी खाना खाया है, बहुत बढ़िया ढाबा लगा हमको। खाना भी अच्छा है और रेट भी नॉर्मल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। खाना बहुत स्वाद लगा हमको। इस ढाबे का नाम है न्यू पंजाबी वैष्णो ढाबा, बहुत बढ़िया खाना लगा इसका। ये मकलोड़गंज से नीचे 25 किलोमीटर आके मंडी पठानकोट रोड पर हारा नाम की जगह पर ये रेस्टोरेंट है। काफ़ी अच्छा खाना है इनका, हमें काफ़ी अच्छा लगा। साथ में एक कैफ़े 39 है, ये तो खैर बंद पड़ा था। तो जी 200 किलोमीटर की यात्रा करके मकलोड़गंज से हम अमृतसर पहुंच चुके हैं और ये गोल्डन गेट आ गया है। देखिए इसमें एंट्री कर रहे हैं अब हम अमृतसर के अंदर, और हम अमृतसर में एंटर करते हुए गोल्डन गेट से। तो हम गोल्डन टेंपल पहुंच चुके हैं। गोल्डन टेंपल की पार्किंग है ये, 25 नंबर पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। सुबह के 4 बजे हम यहाँ आ गए थे, तो 4-5 फ्लोर है इस पार्किंग के और बहुत ज़्यादा फुल है पार्किंग। बड़ी मुश्किल से हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह यहाँ पे मिली है, काफ़ी देर ढूंढने के बाद। तो और यहाँ का पार्किंग का जो चार्ज है वो 30 रुपये 12 घंटे का चार्ज है। और अब आगे चलते हैं हम गोल्डन टेंपल की तरफ, तो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको गोल्डन टेंपल। ये फ्री पार्किंग, 30 रुपये वाली पार्किंग है भाई साहब। एक तरीके से ये फ्लाईओवर जा रहा सीधा इसके अंदर, देख सकते हैं आप। और ये रंजीत सिंह जी की मूर्ति के सामने है, यहाँ पे एक पार्किंग ये है इस तरफ। ये दो पार्किंग बनी हुई है इस होटल के पास। ये स्टैचू इस पार्किंग की पहचान है, इसके अंदाजे से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये साड़ी फैमिली गोल्डन टेंपल की तरफ बढ़ती हुई। चलो चलो चलो, ये छोटा काला बंदर हमारा, देख कैसे हो रहा ब्लैक मोम की। तो ये सभी बच्चों ने अपने सर पे बांधने के लिए कपड़े ले लिए हैं। नाम तो मैं इनका जानता नहीं, पर 20-20 रुपये में यहाँ मिल रहे थे। और ये साथ में स्मारक है, शायद शहीद स्मारक है मेरे ख्याल से। ये सबके नाम लिखे हुए हैं इस पर और ऊपर कुछ तस्वीरें भी बनी हुई हैं इस पर, काफ़ी सुंदर लग रही है ये।
और ये हमारी जनता पार्टी गोल्डन टेंपल की तरफ बढ़ते हुए सर पे इन्होंने लगा लिए हैं। तो ये जूता घर है, यहाँ सबसे पहले हम अपने जूते निकाल देंगे, ठीक है, जमा करवा देंगे, वापसी में लेंगे। तो हमने 6 नंबर में जूते जमा कर दिए हैं और हमको ये टोकन मिल गया है। और ये हंसु मैडम पानी में आती हुई। अब मेन गेट से अब हम एंट्री कर रहे हैं, पानी में पैर धो के एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब सुबह के 5:10 हो चुके हैं और देख सकते हैं आप गोल्डन टेंपल का नज़ारा। रश बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितने घंटे में नंबर आएगा, बहुत ज़्यादा जुड़े है। मुझे तो गाड़ी चलानी है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ यहाँ पे, ताकि ये लोग दर्शन कराएंगे अंदर। मैं तो दर्शन पहले भी कर चुका हूँ। ये हमारी बेटी इतनी जिद्दी है, ये कहीं भी लेट जाती है अपनी जिद पूरी करवाने के लिए। ये गोल्डन टेंपल के ऊपर की छत है, देखिए कितना सुंदर दिख रही है, ये बिल्कुल गोल्ड का जैसे बना हुआ है सब कुछ। पता नहीं सच में गोल्ड है पूरा या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, पर देखिए आप गोल्ड जैसा ही लग रहा है ये, और काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर छत पे भी आ सकते हैं यहाँ पे। सब लोग नीचे बैठ के यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ के वाहेगुरु की प्रार्थना कर सकता है। देख सकते हैं यहाँ पानी में तैरती हुई मछलियाँ कितनी सुंदर नज़र आ रही हैं, अलग अलग रंग की मछलियाँ हैं, कोई संतरी है, कोई सफ़ेद है, कोई काली है, बड़े ही सुंदर मछलियाँ लग रही हैं ये देखने में। ऐसे
वीडियो नहीं बना रही पानी में। कैमरे की तरफ टेंपल किया जाए एक मिनट आगे तट ले मैडम। तो भाई साहब मैंने तो ये रूम ले लिया था, 700 रुपये में एसी रूम मिला था और मैं यहाँ सो गया था। ये लोग सब दर्शन करने चले गए थे, उसे 500 में भी मिलता है रूम और फ्री में भी मिलता है, पर हमें इमरजेंसी में सुबह सुबह लेना पड़ा था ये 12 बजे तक। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गोल्डन टेम्पल से लेकर दिल्ली की यात्रा दिखाएँगे आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।